स्टाइल गाड़ी के बारे में समझेंगे, गियर बॉक्स देखेंगे, इसमें नंबरिंग लिखी है क्या है, तो मतलब गियर वाली कार है। एक प्लेन आ रही है साइड में लिखा होता R&D, वो तो ऑटोमेटिक कार, हैंडब्रेक तुम्हारा खड़ा है, बंद गाड़ी में खड़ा ही होना चाहिए। लेफ्ट पैर देख, लेफ्ट पैर क्लिस आएगा, राइट पैर ब्रेक रेस, बीच में ब्रेक और राइट साइड में उधर एक्सीलेटर, ABC बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं ABC। अब राइट में देख ले, राइट में सेट करना है यहाँ के हिसाब से, स्टीयरिंग राइट हैंड से यूज करना है, इंडिकेटर दिया हुआ यहाँ पे, ये किया लेफ्ट के लिए, तो यहाँ चाबी पहनो ऑन कर लेंगे, ये लेफ्ट का इंडिकेटर, राइट का इंडिकेटर, और बंद हो जाते हैं हर मोड पे। फिर आपने ये यहीं से आपने हॉर्न दे देना है, लेफ्ट में देख, लेफ्ट में सेट करेगा, यहाँ से बॉडी दिख रही है और गाड़ी भी दिख रही है, ठीक है। सेंटर मिरर सेट करेंगे, ये पूरा एरिया दिखना चाहिए बीच में से, ठीक ओके। उसके बाद आपका हैंड ब्रेक खड़ा है, ये लेफ्ट हैंड से ऊपर नीचे करना है, कब करोगे जब क्लिच ब्रेक दब जाएंगे, दबाओ क्लिच ब्रेक, पूरा क्लिच कर दे, हल्का सा ब्रेक दबाओ, हल्का हैंड ब्रेक नीचे कर दे पूरा। गियर चेक करना है तो मैं करवा रहा हूँ, आगे गियर हो गया न्यूट्रल, फिर कोई गियर न्यूट्रल, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। और गाड़ी को क्या है, क्लिच दबा के स्टार्ट करनी है, आदत डालनी है, BSS की गाड़ी है, क्लिच दबाने के बाद स्टार्ट हो रही है आजकल, ठीक है। तो क्लिच हमारी दबी हुई है, गाड़ी को स्टार्ट कर ले, फर्स्ट गियर के लिए लेफ्ट कर और आगे ढकेल दे, ये बना दिया L, क्या बना दिया हमने L। सुन के काम करना है आपने, क्योंकि मेरा भी मेथड है, नॉन स्टॉप बोल के सिखाता हूँ। ब्रेक छोड़ दे, राइट वाले पैर हल्की रेस ले, हल्का क्लिच कर, बहुत हल्की रेस, बहुत हल्की क्लिच, दोनों को सेट करते हुए धीरे धीरे चलने दे, चलने लग गई, कोई दिक्कत फर्स्ट गियर उठाने के लिए, फर्स्ट गियर में गाड़ी उठाने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कॉन्फिडेंस आना चाहिए, रोती हुई शक्ल नहीं लेके आनी है, नहीं क्या बोलना है नहीं। अच्छा रिस्पांस मिलना चाहिए, एक फौजी के पास सीख रहे हैं तुम। रेस बढ़ा, अब हमने 20 की रेस बनानी है, जैसे 20 की रेस मीटर पर बनेगी, क्लिच नीचे कर और दो बार पीछे, एक दो, हल्का हल्का रेस के लिए छोड़ दिया, और जो हमने मिरर सेट किए हैं सेंटर लेफ्ट में राइट में, तीनों देखते हुए अंकल को बचाते हुए दोनों साइड से बीच बीच से निकाल लें। अब ध्यान का रखना, जब फर्स्ट गियर है तो 0-20 की रेस, सेकंड गियर है 20-30 की रेस। अभी हमने फर्स्ट सेकंड का बेस बनाना है, क्या बनाना है फर्स्ट सेकंड का बेस, चलते रहेंगे धीरे धीरे, थोड़ा साइड दे देंगे, लोगों को साइड देने की आदत डालनी है, ठीक है, नहीं तो लोग किनारे लगा के चले जाते हैं, सही। फिर ना गाड़ी मिलती है ना बंदा मिलता है ढूंढने से। बहुत बढ़िया, तो अपना जो मेथड है नॉन स्टॉप बोल के सिखाते हैं, और अपनी जो दूसरा मेथड क्या है कि माइक्रो टीचिंग करते हैं, वीडियो बनाते हैं पहले दिन से आखिरी दिन तक, बंदे ने क्या सीखा और उसको क्या सिखाया गया है, तो इसमें क्या सीखने वाला भी नहीं बोल सकता मैंने कुछ नहीं सीखा, सिखाने वाला भी नहीं बोल सकता कि भाई मैंने क्या कहते सबको सिखाया नहीं सिखाया, वो दोनों चीज़ का क्या कंपेयर हो रहा है, ठीक है। और एक टीचर चलते रहेंगे आराम से, और पेरेंट्स ही ऐसे हैं जो बच्चों का भला चाहते हैं तो वो हमसे ज़्यादा सीखें, ठीक। बहुत बढ़िया, चलते रहिए सीधा करेंगे, प्लस का निशान बनाएंगे, जो मैं डायरेक्ट लाइन कर रहा हूँ ये न्यूट्रल की लाइन क्या है, अगर आपका गियर ऐसे खड़ा रहे, ऐसे गियर माउंट पर खड़ा रहता है, अगर आपने जस्ट सीधा किया तो थर्ड जाता है, फिर न्यूट्रल, फिर फोर्थ, तो जैसे किया यहाँ गया थर्ड, ये यहाँ गिरारी होती है, ये गया फोर्थ, कौन सा गया फोर्थ, पर फर्स्ट लगाना हमने, तो आपको लेफ्ट चल के आना है और थोड़ा सा आगे करना है, क्या करना है, यहाँ हो गया फर्स्ट, कंपनी ने सेकंड यहाँ पे दिया है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ इधर, सिक्स गियर भी आ चुका है और पुरानी गाड़ी में रिवर्स यहाँ पे है। अब आप फर्स्ट में जाल चले गए तो यहाँ शर्त होती है कि यहाँ रेस आपकी 0-20 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 0-20। अगर आपने सेकंड में जाना है तो यहाँ झुकाना है, इसी लाइन पर चल के आना है, लेफ्ट और लेफ्ट, सेकंड हो गया, यहाँ शर्त क्या होती है, रेस रहेगी आपकी 20-30 तक, कितना 30 तक। आप इससे तेज चला रहे हैं या फिर आपका माहौल 20-30 का ही है, तो आपने क्या रखना है, यहीं पे बनाए रखना है, आगे न्यूट्रल करना है, झुका के फोर्थ, थर्ड, कौन सा आ गया थर्ड, सेकंड से कैसे गए, दोबारा देखो ये गया और ये और ये, थर्ड में चले गए, यहाँ रेस कितनी रहेगी 30-40, कितना 30-40। आप इससे बढ़िया माहौल में पहुँच गए और 40 से तेज चलाना चाहते हैं, तो आपने सबसे सरल गियर थर्ड से फोर्थ होता है, न्यूट्रल और ये फोर्थ, यहाँ रेस रहेगी आपकी 40-50, कितना 40-50। इससे तेज चलाना, हाईवे पर चढ़ गए तो रिवर्स ये करना आपने, न्यूट्रल झुका के पांचवा, देखो सेकंड से थर्ड लगाना और चौथे से पांचवा लगाने के लिए हाथ सेम चलता है, यहाँ क्या रेस रहेगी 50-60-70-80-90-100, ठीक है। अब ध्यान कर रखना रोड का, रोड अगर सिंगल है तो
तो गाड़ी आपकी रोड के लेफ्ट ही लेफ्ट चलेगी। कहाँ चलेगी? अगर लेफ्ट टर्न करना है तो छोटा मोड़ करते हैं। क्या करते हैं? छोटा मोड़। क्रॉसिंग हो सकती है, कोई नहीं भी हो सकती है। जब राइट जाना है तो आपने यहाँ बड़ा मोड़ करके इधर चले जाना है। क्या चलना है? मतलब राइट के लिए बड़ा मोड़, लेफ्ट के लिए छोटा मोड़। ठीक है, इसे हम करके दिखाएंगे अभी। ठीक है, बोनट के अंदर तीन उंगली डालना है और बोनट को उठा देना है। स्टैंड लगा दो। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखने वाली बातें क्या क्या हैं जो हम खुद से रख सकते हैं। बाकी तो हमने सर्विस करानी है टाइम टू टाइम। तीन सर्विस कंपनी फ्री देती है। उसके बाद आपने 8,000 से 10,000 किलोमीटर के अंदर सर्विस करानी है। यहाँ होता हमारा रेडिएटर। रेडिएटर में एक्स्ट्रा पानी यहाँ पे जहाँ से आता है। ठीक है, रेडिएटर में पानी करवाओ, रेडिएटर साफ़ करवा के जब सर्विस करवाते हो साफ करवा के कूलेंट और डिस्टल वाटर भरवाना है। और एक्स्ट्रा बॉक्स यहाँ पे होता है, इसमें पानी रहता है। ठीक है, अभी है इसके अंदर। तो ये जैसे जैसे यहाँ वर्न होता रहता है वैसे वैसे पानी इसमें आता रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे अपना ध्यान रखना है, नंबर एक काम। दूसरा काम क्या है, बैटरी के तार आपके लूज नहीं होने चाहिए। अगर गाड़ी जंग बैटरी जंग खा रही है तो इसमें ग्रीस लगा के टाइट करके दोबारा से लगा देना है। ठीक है, तो बैटरी की लाइफ बनी रहती है। अगर आप 1.5-2 महीने के लिए गाड़ी खड़ी कर रहे हो तो बैटरी के ये टर्मिनल खोल के रख देना, तो बैटरी की लाइफ ख़राब नहीं होगी। ठीक है, और हमने ध्यान क्या रखना है, जब सर्विस कराते हो इंजन ऑयल इसमें डलता है, उसके साथ ही आपने फ्यूल फिल्टर चेंज करवाना, मिस्त्री खुद कर देते हैं। ठीक है, फिर भी आप अपना ध्यान रखो। यहाँ पर फिल्टर होते हैं हर गाड़ी में जी, यहाँ से फिल्टर साफ करो, कंडीशन ख़राब है तो नया डलवा लो। ठीक है, उसके बाद ब्रेक ऑयल, जिसके द्वारा ये अभी तक फुल हो रखा है, फुल यहाँ खाली होता है, यहाँ निशान आ जाता है खाली होते हैं, फुल है तो ब्रेक नहीं लगती है ब्रेक ऑयल से। और हमने क्या ध्यान रखना, देखिए अपना ये वाइपर पानी ये भरा के रखो, इसमें हल्का सा आधा चम्मच सा शैम्पू या हल्के उस कम मात्रा में जिस चीज़ से साफ होते रहें उसका ध्यान रखो। तो जब गाड़ी ठंडी होती है तब हमने गाड़ी का ऑयल चेक करना है। निकाल लो आप, अगर ज़्यादा दिन गाड़ी को सर्विस हो गए तो इसको गेज निकालना है और यहाँ पे देखो पॉइंट बने हुए हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट तक आपका ऑयल होना चाहिए। ये देखो 2 पॉइंट तक ऑयल है और इसकी मात्रा चेक करो। अभी मतलब सर्विस नहीं मांग रहा, गाढ़ा हो जाए काला हो जाए तब हमने गाड़ी की सर्विस करा लेना, मिस्त्री को दिखा देना। ठीक है, और अपना वापस लगा दो। ये करना है आपने ठंडी गाड़ी में, गर्म गाड़ी में ऑयल घुमा होता है। ऑयल हमारे देखो ब्रेक ऑयल हो गया, गियर ऑयल हो गया, एक गियर ऑयल होता है वही मिस्त्री चेक करा लो, और एक इंजन ऑयल होता है। ठीक है, फिल्टर हमारे एक ये फिल्टर हो गया और इंजन ऑयल फिल्टर हो गया, और एक हमारा एसी फिल्टर होता है उसकी क्वालिटी देख लो। अगर चेंज कराने की जरूरत हो तो चेंज कराओ, साफ करके काम चल सकता है तो साफ करके चेंज कराओ। मतलब कुछ चीज़ें जो आपने खुद से घर पर ध्यान रखना है, बाकी के अपने मिस्त्री के पास नॉलेज लेते रहना है। ठीक है, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट हैं। वो क्या है, गाड़ी के स्पेशलिस्ट। हम तो सिर्फ नॉर्मल ध्यान रख सकते हैं जिसके इमरजेंसी में अपना काम निकाल सके, क्योंकि आप अपना ध्यान नहीं रखोगे गाड़ी कहीं और धोखा दे सकती है। और एक चीज़ और है, यहाँ पे एक इंजन की बेल्ट होती है, बेल्ट की मात्रा यहाँ पे देख लो, वो सिर्फ मिस्त्री बता सकते हैं क्वालिटी कैसी है। आपको लग रहा उन मिस्त्री को समझ में आता ख़राब है तो आप उसको चेंज करा लो, ज़्यादा की होती नहीं है, पर इस चीज़ से गाड़ी की लाइफ बनती है। इन चीज़ों की, इन चीज़ों का ध्यान रखो, टाइम टू टाइम सर्विस करो। ठीक है, एक स्पेशल बात और ध्यान रखना कि जो इंजन ऑयल जो चेंज करते हैं हर 10,000 किलोमीटर के हिसाब से चेंज करते हैं, पर 20,000 किलोमीटर पर अपने इंजन ऑयल को फ्लैश करो। ठीक है, उससे कि इंजन की लाइफ बनी रहती है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं थोड़ी ड्राइविंग की तरफ। ठीक है, बंद कर दो स्टैंड, वहाँ से बंद कर दो और ऊपर से इसको छोड़ दो, छोड़ दो, ये हो गया बंद। डिवाइडर क्या मिल गया? डिवाइडर, तो डिवाइडर के पास हमने चिपका के गाड़ी रखनी है आधा फुट पास में। सामने ब्रेक करा गया, क्या करेगा, हल्की क्लिच ब्रेक, क्या करेगा, ब्रेक ला हल्का सा, और जैसे ही बोनट से ब्रेकर दिखना बंद, धीरे से ब्रेक छोड़ देंगे। छोड़ दिया, रेस लेंगे, चलते रहेंगे और क्लिच छोड़ देंगे। लेफ्ट में देख, सेंटर देख, सेंटर यहाँ थोड़ा ज़्यादा देखना है साहिल, क्योंकि जो तेरे पीछे चला वो तेरे लेफ्ट से ओवरटेक करेगा, राइट से नहीं करेगा। सामने फिर ब्रेक कर, हल्की क्लिच ब्रेक कर 20 कदम पहले, या तो हम सेकंड गियर में काम करेंगे ऐसे, या फिर 20 कदम पहले फर्स्ट गियर लगा लेंगे, चॉइस योर्स, क्या चाहते हो आप। ठीक है, डिवाइडर कवर कर रखा है, देखते हैं यहाँ पे, ये राइट वाला जो पॉइंट बना हुआ वो बिल्कुल व्हाइट पट्टी जो बनी हुई है, रेत पड़ा हुआ किनारे किनारे वहाँ चल रही है। तो राइट साइड चलाने से क्या तेरी दोनों साइड कवर होगी साहिल, क्या होगी, राइट तो तूने कवर कर ली, लेफ्ट इसलिए कवर है कि जो भी तुम्हें बंदा ओवरटेक करेगा वो क्या करेगा, 2 फुट दूर होके करेगा, 1 फुट तो करेगा ही करेगा, गड्ढा तब बचाएंगे जब हम लेफ्ट मिरर देख लेंगे। तब हमने इधर लेफ्ट आगे थोड़ा सा
फिर वापस राइट मिरर देख के राइट फिर कवर कर लेंगे और सीधा सीधा चलते रहेंगे। जब फर्स्ट गियर है 0 से 20 की रेस, सामने वाली गाड़ी से दूरी मेंटेन होनी चाहिए 15-20 कदम पीछे। सेकंड गियर लगा रखा है और आगे गाड़ियां चल रही हैं तो डिस्टेंस होनी चाहिए 30-40 कदम पीछे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए भीड़ में काम करना है। कई बार ज़्यादा भीड़ होती है तो 5-10 कदम का तो गैप रखना ही रखना है। पीछे वाला कितना भी हॉर्न मारे तुम अपना कंट्रोल मत खो, क्योंकि ज़्यादा नज़दीक पहुँच गए और आगे वाले ने अचानक ब्रेक लगा दी साइड तो क्या हुआ, गाड़ी छुपने के चांस रहेंगे, कह रहेंगे छुपने के चांस, ठीक है, और वो हमने काम नहीं करना है। तो आपको सेफ चलना है तो सामने वाली गाड़ी से दूरी मेंटेन करो, एक जैसी रेस रखो, कोई एक साइड पकड़ के रखो और अपने आप को अलर्ट रखो, कब क्या हो जाएगा उसको करने में अपने आप को बनाने की कोशिश करो। हल्की क्लिच ब्रेक, गुड, ब्रेक छोड़ देंगे, वापस रेस रखेंगे। तो डिवाइडर के बाद चलाने में कोई दिक्कत साहिल? नो सर, काम कर सकते हैं। फर्स्ट सेकंड गियर में अभी तक कोई दिक्कत नहीं सर। आज हम तुम्हारा रिवर्स भी स्टार्ट करेंगे दूसरे दिन से ही, ठीक है, चलते रहो सीधा सीधा, मेंटेन करके चलते रहेंगे। जैसी मौका मिलेगा थर्ड का, थर्ड के लिए हमने क्या करना है, 30 की रेस बढ़ाना चाहिए, कितना 30, जैसे 30 की रेस बड़ी, रेस को छोड़ते क्लिच नीचे कर, बड़े प्यार से आगे न्यूट्रल कर और एक बार और पुश कर दे, रेस बढ़ा क्लिच छोड़ दिया। तो जब रेस बढ़ाना है क्लिच यूज नहीं करनी, क्लिच यूज करना तो रेस नहीं बढ़ानी है, ठीक है। लेफ्ट मेड देख, सेंटर देख, राइट कम देखेंगे, बनाए रख रेस, आगे का माहौल पढ़ने की आदत डाल, माहौल को पढ़ने की आदत डाल ली, उस हिसाब से गियर यूज करना, बनाए रख रेस। वहां तक दूर तक रोड खाली है, 40 की रेस होगी, रेस छोड़ के क्लिच नीचे, बड़े प्यार से गिनती गिनने दो बार पीछे, एक दो, रेस बढ़ा क्लिच छोड़ दिया, बनाते रख, ये आगे चौथा हाथ हल्का रखियो, चौथे गियर में पहुंच गए हम, हाथ हल्का रख के बैलेंस बनाते रहो, व्हाइट पट्टी के पास पास चलता रहे। आज भी हमने राइट साइड कवर कर रखी है, क्या है, तो राइट साइड कवर करने से हमें पता है कि हमें क्या फायदा मिल रहा है। उधर से गाड़ी आ रही है, चलता रहे, देखे चलता रहे, वापस रेस मेंटेन कर। तो जैसा तेरा कंट्रोल आएगा वैसे कार चलानी है। अब एक तरीका और है सेफ रहने का, जैसे हमारे सामने ट्रक चल रहा है, उससे हमने क्या करना है, दूरी मेंटेन करके, ठीक है। एक तरीका ये, दूरी मेंटेन करो, अपनी एक कंट्रोल वाली रेस रखो, अपने आप को अलर्ट रखो, चलते रहो और कोई एक साइड पकड़ के चलो, ठीक है। तो हम क्या एक्सीडेंटों से बचे रहेंगे, ठीक है, चलता रहा। अगर हमें मौका मिले इसको ओवरटेक करना, अगर हम इसे तेज और चलाना चाहते हैं, ठीक है, देखेंगे माहौल। तो पहले हमने लेफ्ट में देखना है कि कोई है तो नहीं हमारे लेफ्ट में, कोई नहीं है, धीरे धीरे लेफ्ट आते जाएंगे। तो हमने 50 कदम पहले से अपनी पोजिशन चेंज कर ली, पास जाके चेंज नहीं करेंगे, और हॉर्न देते हुए सामने जो ट्रक चल रहा है उसके मिरर में ड्राइवर दिख जाएगा तेरे को, उसकी नज़र भी दिख जाएगी तेरे को, दिख रहा, तो वो हॉर्न सुन के हमारी तरफ उसका ध्यान चला गया, फोन पे लगा हुआ था वो, रेस बना के रख और तेज चल। जब 50 कदम आगे निकल जाए राइट मिरर देख, इसी रेस को मेंटेन कर, तू अपनी साइड फिर कवर कर ले, क्योंकि राइट साइड चलने में हम एक साइड कवर करके चल रहे, दूसरी साइड भी कवर रहती है, क्योंकि जो भी हमें ओवरटेक करेगा दो फुट दूर होके करेगा लेफ्ट साइड से, क्लियर है। राइट हमने कवर किया और ये लेफ्ट वाली कवर होगी अपने आप, काम समझ में आया, कोई दिक्कत अभी तक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में जाने में, बना रख रेस, हाथ हल्का रख, देखते हैं दिन कितने हुआ आज तेरे को। तो ये रहा साहिल भुट्टा, साहिल भाटी, और आप आए थे कितने, 16 को, कितने को, 16 को, और आज 18 ही है, साहिल बाट बाटे भाटी है, साहिल भाटी, और 16-17 आज 18 में दिन है। रेस मेंटेन करके चल, हाथ हल्का रख, बहुत बढ़िया स्कोप बनाया आपने, देखो एक हाथ से ताली नहीं बजती है। मैं कहूँ तो मैं सब कुछ तुम्हें सिखा दिया और तुम करने लगोगे, जब तक तुम साथ नहीं दोगे तब तक कुछ नहीं होगा, होगा क्या, नहीं। ताली दोनों हाथ से बजती है, सुना होगा आपने, सुना नहीं सुना है, बनाए रखो रेस, हाथ हल्का रखो। तो जिस तरह से जंगल में शेर नहीं नाचता है, सर्कस में नाचता है, कलाकारी शेर में नहीं है, रिंग मास्टर में, पर दोनों साथ दें तो बहुत जल्दी काम कर लेते हैं। क्या थर्ड फोर्थ दिन में कोई बंदा इस तरह से चला पाएगा, तो तुमने भी साथ दिया साथ ही साथ, ठीक है। तरीके मेरे, साथ तुम्हारा, मेहनत तुम्हारी, बनाए रखो रेस, क्योंकि गली मोहल्लों में ठुकते हैं तो क्या होता है, सिर्फ स्क्रैच आते हैं बॉडी पे, हाईवे पर ठुकता है तो हमारी बॉडी को स्क्रैच आते हैं और कई बार अगला जन्म मिल जाता है, फिर वापस से LKG UKG पढ़ना पड़ेगा, फिर नौकरी की तैयारी करनी पड़ेगी। ये बस भी हमसे 2 फुट दूर होकर निकल गई है, निकल गई, अपनी साइड मत छोड़। तो इन चीज़ों से क्या एक्सीडेंट से बचा रहेगा, लेफ्ट चलना लेफ्ट चल लो और राइट चलना है तो राइट चल लो, चॉइस योर्स, ऐसा कुछ नहीं सर मुझे तो वो सिखाया था मैं, बस एक ही चीज़ है फिक्स है, ध्यान रखना
छोटी गलती बड़ा प्रसाद, गलती की है तो प्रसाद मिलेगा। बाकी माहौल के हिसाब से आपने काम करना है, मौसम जैसे बदलता है वैसे हमने गियर और रेस को बदलते रहना है। फिक्स कुछ नहीं गाड़ी में, फिक्स क्या है, गलती की है तो प्रसाद मिलेगा। छोटी गलती छोटा प्रसाद, बड़ी गलती बड़ा प्रसाद। अकेले बैठे हो, अकेले खाओगे प्रसाद, परिवार के साथ बैठे मिलवाड़ के खाओगे प्रसाद। काम समझ में आया, कोई दिक्कत? कैसा सिखा रहे हैं तुम्हें? एकदम अच्छा। अच्छा, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। नहीं तो मेरी सेल्ट हो रही, क्या हो रही है? अच्छा, गजब, बनाए रख रेस। जहाँ हक है उसे खींच के लो, ठीक है, बनाए रखो रेस, बहुत बढ़िया। चलते रहे दूरी मेंटेन करके, देता रहिए। आज हम सब्जी पुगन रोड से निकल चले आ रहे हैं। कौन सा गियर लगा रखा है? फोर्थ गियर। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ गियर में कोई दिक्कत नहीं ना? चलता रहे गली मोहल्ले हाईवे पे और सिटी के हाईवे में चलाने में कोई दिक्कत? बना के रख रेस, हाथ हल्का रख, लोगों को डिस्टर्ब हल्का हल्का करते रहना है और अपनी रेस मेंटेन करके रखना है। लोगों ने साइड दी तो ठीक है, नहीं दी तो खुद स्लो हो जाना है, गियर डाउन कर लेना, इधर ओवरटेक करेंगे। लेफ्ट में देख, निकाल रहे हैं, सॉफ्ट हाथ रखते हुए, स्टीयरिंग पे हाथ सॉफ्ट रहेगा। फिर उधर मौका मिलते उधर चले जाएंगे, बस ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है। कोई एक साइड पकड़ ले, लेफ्ट तो लेफ्ट, राइट जाना है तो राइट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तूने साथ दिया। गियर में चल रहे हैं, थर्ड गियर की तैयारी कर रहे हैं। लेफ्ट देख, सेंटर देख, ज़्यादा रेस बढ़ गई, रेस छोड़ क्लिच नीचे, न्यूट्रल कर आ गए और थर्ड रेस बढ़ा, क्लिच छोड़ते हाथ हल्का, जैसे मौका मिलेगा चौथे का गाड़ी जा रही है, ओवरटेक करने दे उसको। जब कोई हमारी गाड़ी को ओवरटेक करना है तो हमें स्लो करना है कोई, और जब हमें किसी गाड़ी को ओवरटेक करना है तो तेज करना है, ठीक है। 40 की रेस हो गई, रेस छोड़ के क्लिच नीचे, दो बार पीछे, एक दो, रेस बढ़ा, क्लिच छोड़ते उस गाड़ी को और कवर करके चलते रहेंगे। हाथ हल्का रख, स्मूथ घुमाना, पावर से नहीं घुमाना, जब तेज चलती है गाड़ी, जाके गोदे को देखेंगे, एक फुट दूर हो गए उससे तो जाके फिर डिवाइड कवर कर लेंगे। रेस मेंटेन रख, हाथ हल्का रख, चौथे गियर में चल रहा है, इस गाड़ी का टॉप गियर है, ठीक है। जैसी पांचवें गियर वाली कार मिले, आगे न्यूट्रल करके और राइड करके आगे कर देगा तो पांचवें गियर होता है, वहां से रेस 50 की रखनी है। सीधे चलते रहे, बहुत बढ़िया। अभी भी हम उसी गाड़ी को कवर करते हुए चल रहे हैं तो वो हमारे लिए रास्ता खाली कर रही है। बनाए रख रेस, जैसा तेरा कंट्रोल आए वैसे चलते रहना, अपने आप को अलर्ट रख, लेफ्ट में सेंटर बार बार देखता रहे। वो गाड़ी इधर चलेगी, सामने कुत्ते भी है, ब्रेको पहले तो 100 फुट दूर देखने आता टाल, 100 फुट छोटा देख, रोड के 50 लेफ्ट, रोड के 50 राइट। बना के रख रेस, चलते रहे। ट्रैक्टर को एक गाड़ी ने ओवरटेक किया है तो पहले लेफ्ट मिरर देख, धीरे धीरे आते जाएंगे ओवरटेक करने के लिए। हाथ हल्का रखते हुए, स्टीयरिंग वाला हाथ हल्का रहेगा, देख हाथ छोड़ देख, पर पूरा छोड़ दे हाथ, गाड़ी खड़ी जाती है पर पावर देगा तब जाएगी, क्या है, पावर देगा तब जाएगी। हाँ, रेस मेंटेन करते हुए, गाड़ी और लाड़ी, सुनिए कहावत, बड़े प्यार से चलती हैं। बना रख रहे हैं, दोबारा कवर कर लें, सीधे चलते रहें, हाथ हल्का रखते हुए, पहला दिन याद करते हुए, जब आया था कैसा था और आज देख लें, कोई दिक्कत no. कोई कमी? कैसा सिखा रहे हैं? एकदम अच्छा, एकदम अच्छा, बहुत बढ़िया, चलते रहें, धन्यवाद। स्लो कर, इससे पहले हमने क्या किया, स्लो करना है, इधर से ओवरटेक करते हैं, रेस बना, उठा रेस, तो हमने हल्का स्लो किया, इसको ओवरटेक कर दिया, पीछे देख, राइट कवर कर रहे हैं। अब जैसा तेरा कंट्रोल है, बढ़िया रेस आ रही है, 60 की रेस आ रही है सिटी के हिसाब से, चल तेरे हाथ हल्का रखते हुए, बस तेरा हाथ हल्का होना चाहिए। आगे गाय घूम रही है, हमने देख लिया 100 फुट दूर पे, तो गाय से हम धीरे धीरे लेफ्ट में देखते हुए 1 फुट 2 फुट इधर आ गए, आगे एक और कार चल रही है उसको कवर करके चलते रहेंगे। तो अगर एक्सीडेंट अवॉइड करना चाहते हैं कुछ चीज़ों को आप फॉलो करो, सामने वाली गाड़ी से दूरी मेंटेन करो, कोई कार है तो एक अच्छी सी रेस बना के रखो, बैलेंस अच्छा बनाओ और खुद को अलर्ट रखो, साथ ही साथ ये दोनों तीनों मिरर देखते रहो, क्योंकि जितना अच्छा मैं आगे देखना आता उतना अच्छा मैं पीछे देखना भी आना चाहिए। क्लियर है? कोई दिक्कत अभी तक? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ गली मोहल्ले मार्केट हाईवे में नहीं, चलते रहे सीधा सीधा फिर। बहुत बढ़िया,
बहुत अच्छे। तो जितना हाथ हल्का रहेगा उतनी ही गाड़ी हंसते हुए मुस्कुराते एकदम चलते रहना है। तो बैलेंस बनाना तुम्हारे हाथ में है, गाड़ी को कंट्रोल रखना, गाड़ी को मेंटेन रखना तुम्हारे हाथ में है। करत करत अभ्यास जन्मो तो सुजान, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बहुत अच्छे, अच्छी रेस आ रही है। हमारे पास ऑटोमेटिक कार, तो ऑटोमेटिक कार के लिए मैंने पहले बताया था अगर ये हैंडल प्लेन होगा, नंबरिंग नहीं है, तो वो ऑटोमेटिक कार होती है, साइड में लिखा होता है R&D। ये गाड़ी हमेशा ब्रेक दबाने पे स्टार्ट होती है, आपने स्टार्ट कर रखी है, न्यूट्रल यहाँ पे लिखा हुआ है, हैंड ब्रेक खींची हुई है, तो हैंड ब्रेक नीचे कर दो, ब्रेक दबा के उठा के नीचे कर दो, उठाओ पहले फिर नीचे कर दो। ब्रेक जैसे दबाओगे तब गियर लग जाएगा, राइट में सेट करो, सेंटर में सेट करो, लेफ्ट में सेट करो, काम गियर वाली है, स्टेयरिंग उसी तरह करना है, हॉर्न ये से देना है, सब कुछ वही है, सिर्फ इसमें गियर और क्लच नहीं है, यहाँ पे क्लच नहीं है। ब्रेक दबा के वन टाइम डी मोड पर करो, इसको ब्रेक दबाओ और डी मोड कर दो, और जैसे ब्रेक छोड़ेगा, ब्रेक झटके से छोड़नी, छोड़ ब्रेक पूरा छोड़ दे और गाड़ी अपने आप चलने लगेगी 10 की रेस में। राइट में देखते हो धीरे सड़क पर आना, ट्रक के सामने उधर हल्का 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 चलते रहेंगे, जैसी 20 की रेस बनेगी, कितनी बनेगी, ट्रक को देखते रहो, रेस 20 की बनाओ, हाथ हल्का रखते हुए, तो गियर आ जाएगा अपने आप, सेकंड गियर आ जाएगा, पीछे देख कौन आ रहा है, कोई नहीं, डिवाइड कवर कर ले, क्योंकि डिवाइड चलने पे हमें एक ही अच्छा सुकून मिलता है कि वो साइड हमारी शेप हो गई। चलने को हम लेफ्ट भी चल सकते हैं, राइट भी चल सकते हैं, चॉइस योर्स, फिक्स कुछ नहीं गाड़ी में, गलती की है तो प्रसाद मिलेगा, छोटी गलती बड़ा प्रसाद, और अकेले बैठे अकेले खाओगे प्रसाद, परिवार के साथ बैठे हो सारे खाएंगे प्रसाद, बहुत बढ़िया, सब याद होने लग गए मेरे भी। लेफ्ट में देखते रहे, सेंटर देख, राइट देख, कौन सा गियर आ गया, चौथा आ गया, कौन सा आ गया, क्या हमने पहले दिन चौथे गियर तक चलाई थी गियर वाली कार, पहला गियर ही समझ में नहीं आया था क्या, काम वही है, स्लो कर हल्का सा जाने थे, जिसको जल्दी थी वो चले गए, एक ट्रक पर लिखा था, तो जो जल्दबाजी करो उसे जाने दो, दूरी मेंटेन करते हुए हाथ हल्का रखते, कोई एक्सरसाइज करते हुए, इसमें भी सेम, और अपने आप को अलर्ट रखते हुए गाड़ी चलता रहे, बना रख रेस शेष चलते रहे। तो हमने सिटी में भी चौथे गियर में चला ली ऑटोमेटिक कार, चलता रहे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, स्मूथ तरीके से हॉर्न देके चल, सामने आंटी है, तो जितना हॉर्न देगा उतनी साइड मिलती है, कोई दिक्कत समझने में। तो मतलब यह है कि पहले दिन इस कार को लेके हम कहाँ जा सकते हैं, जयपुर घूमने भी, बनाए रख रहे हैं, सिया सिया चलता रहे, बढ़िया रेस मेंटेन करते हुए अब हम सिटी से बाहर निकल आए, बहुत बढ़िया, धीरे धीरे फिर सेम काम तो वही है, डिवाइडर फिर कवर कर लेंगे राइट में देखते हुए। तो ये हमने पहले दिन पांचवें गियर में चला दी, किसमें चला दी, पांचवें में, तो इसको चला डाला तो लाइव जिंगल आला, इतना आसान है ये कार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात।